स्वागत है आपका मेरे किचन में, यानी कि सारिका के किचन में, जहाँ पे मैं आपको डेली नई नई सब्जियाँ बनाना सिखाती हूँ, नए नए तरीके के खाने बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि आप अपना डेली की कुकिंग जो है, रोज़मर्रा का जो खाना है, आप उसको और बेहतर बना सकें और स्वादिष्ट बना सकें और दूसरों की तारीफों के पात्र बन सकें। तो इसके लिए चलिए देखते हैं आज क्या बन रहा है मेरे किचन में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको घर पे कोल्ड कॉफ़ी बनाना सिखाने जा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में, पीने में भी उतनी ही टेस्टी है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। गर्मियों के गरम गरम दिन और ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफ़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, उसकी मलाई हटा करके जितना आपको दूध लेना है उतना दूध ले लीजिए। एक ग्लास कॉफ़ी बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे एक ग्लास ही दूध लिया है, आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतना ले सकते हैं। अब एक ग्लास के हिसाब से मैं आपको मेज़रमेंट बताती हूँ, आप बाकी जितने भी ग्लासेस आपको बनाने हो उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको हमने ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसमें कॉफ़ी ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें डालते हैं चीनी, तो एक ग्लास में मैंने यहाँ पे 3 चम्मच चीनी डाली है, आप इन्हें स्वाद के अनुसार से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें कॉफ़ी ऐड कर रही हूँ, ये 2 रुपए वाला जो ब्रू का पैकेट है वो मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो शीशी वाली कॉफ़ी आती है अगर आप उसको रेगुलरली नहीं यूज़ करते हैं तो वो ख़राब हो जाती है, तो ये पैकेट ज़्यादा बेटर रहते हैं। तो 1 2 रुपए वाला और 1 1 रुपए वाला पैकेट मैंने इसमें ऐड किया है। इसकी क्वान्टिटी एकदम परफेक्ट आती है कोल्ड कॉफ़ी में, इसलिए ये नपा हुआ है, इसीलिए इसे डाल दिया है। डालेंगे इसको और ठंडा करने के लिए आइस, ये भी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बस अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। देखिए क्या करना है, ये हर्शीज का चॉकलेट सिरप लिया है मैंने, इससे एक ग्लास को हम साइड से थोड़ा सा सजा देंगे तो ये देखने में भी बहुत टेस्टी लगती है और साथ में जो इसमें चॉकलेटी टेस्ट आ जाता है कॉफ़ी में वो पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये ग्लास को आपको जैसा भी सजाना हो आप यहाँ पर सजा लीजिए। और अब हम इसमें अपनी जो प्रिपेयर की हुई कोल्ड कॉफ़ी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत प्यार अच्छी लग रही है ये, और थोड़ा सा हम इसमें ऊपर से भी थोड़ा सा डाल देंगे चॉकलेट सिरप, और भी टेस्टी हो जाएगी। लीजिए बस आपकी स्वादिष्ट कोल्ड कॉफ़ी मिनटों में बन करके घर में बिल्कुल तैयार है। अब इसे पीने के लिए रेस्टोरेंट जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जब मन आए बनाइए, लीजिए मजे लीजिए। धन्यवाद। कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करिए और अपने विचार मेरे लिए ज़रूर छोड़िए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, क्या आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोज इस तरीके की आपके लिए पोस्ट करूं या फिर ना करूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर करिए। धन्यवाद।